अगर हम ऐसे करें, इसको अगर हम ऐसे करें, देखिए वन अपॉन बी स्क्वायर, और इसको बोल दें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? पहला स्टेप, इसमें दो तीन स्टेप है। इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर, फिर करिए ये कर दिया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में? क्योंकि क्या है यहाँ पे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। आ रहा समझ में? तो इसे पूरा खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए, फिर प्लस ए स्क्वायर करिए, माइनस ए स्क्वायर करिए, प्लस टू ए बी एक्स माइनस टू ए बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? जो नीचे का है वही हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? क्या करा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टू ए बी एक्स माइनस टू ए बी एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या बना, ये वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, एक आ जाएगा ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है? बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, टू ए बी एक्स आ गया, तो माइनस इधर आ जाएगा हमारे पास टू ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। आ रहा समझ में? तो माइनस दोनों माइनस टर्म बच जाएंगे, ये और ए और ये मिलके ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बना देगा, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर बना देगा। अब बाकी माइनस माइनस वाले टर्म बच जाएंगी, डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, अभी भी खेला खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे टू ए बी एक्स है, टू ए बी एक्स है, तो अगर ये जो टू ए बी एक्स है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो माइनस टू ए बी एक्स है या नहीं है? अगर हम इसको ऐसे लिखें माइनस टू ए और बी प्लस ए एक्स, हाँ रुके रुके, बी एक्स प्लस ए करें या ए प्लस बी एक्स करें, क्या कर दें, ए प्लस बी एक्स कर दें। आ रहा समझ में? तो अभी देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस टू ए स्क्वायर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, टू ए बी एक्स तो इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या किसके बराबर लिख सकता हूँ, प्लस टू ए स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी बराबर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है? तो जो टू ए बी एक्स है, टू ए बी एक्स है, उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ये बात क्लियर है? तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे वन अपॉन बी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर माइनस इधर टू ए बी एक्स है, तो टू ए बी एक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं टू ए और फिर ए प्लस बी एक्स, अंदर है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस टू ए स्क्वायर है तो माइनस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिया है ना, और प्लस ए स्क्वायर पहले से ही, प्लस ए स्क्वायर पहले से ही। क्लियर है? ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास, इसको अलग से लिख लेना इस सवाल को थोड़ा सा, ठीक है? अब देखिए क्या इससे फायदा हुआ, आप देखिए इससे क्या फायदा हुआ, अब इधर अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो अगर इसको सही से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये कुछ ऐसे बन जा रहा है वन अपॉन बी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है? फिर देखिए ब्रैकेट अगर खोलिएगा, माइनस टू ए ए प्लस बी एक्स, क्या हो जा रहा है, माइनस टू ए और क्या आ जा रहा है, ए प्लस
बी एक्स आ रहा है, फिर क्या आ जा रहा है यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करें, क्या करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को कुछ फिर स्क्वायर में बना दें, अगर हम ऐसे करें वन अपॉन बी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा माइनस टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये पूरे का क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, क्लियर है। अब वन का क्या होता है एक्स, और इसका क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन एक्स की तरह ही है, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन बी, वन अपॉन बी क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और लॉग मॉड ऑफ ए प्लस बी एक्स आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। देखो 2a अपॉन ए प्लस बी एक्स डी एक्स, ठीक है, हालांकि वहां पे भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट करना सीखिए, क्या आ जाएगा ये 2a कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेंड के बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई नहीं सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और ए प्लस बी एक्स, ये बात समझ में आ रहा है, ए प्लस बी एक्स को अगर टी मानोगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई बी, तो क्या हो जाएगा ये 2a और ये आ जाएगा अपॉन बी और डी टी बाई टी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा ये फिर 2a अपॉन बी लॉग मॉड टी, मॉड टी मतलब a प्लस बी एक्स प्लस सी, आएगा नहीं आएगा। और फिर ये वाला देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या आएगा फिर ए स्क्वायर को इंटीग्रेंड के बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स को टी मानोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई बी, तो मतलब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी और ये क्या आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर, और डी टी बाई टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस वन बाई टी, माइनस वन बाई टी, तो मतलब क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आ रहा समझ में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन, माइनस भारी ले लीजिए, माइनस बारी ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टी मतलब वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, आ रहा समझ में, ए बी स्क्वायर लिख दिया ये गलत होगी, बी है बी, ए प्लस बी एक्स को टी माना है ना, बी आएगा बी, ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, ए प्लस बी एक्स को टी मान लेंगे, ये बात समझ में आ रहा है, तो इसी चीज को हम डायरेक्ट करना भी सीखें, क्या आ जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर है, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा टू ए अपॉन बी लॉग मॉड ऑफ ए प्लस बी एक्स, क्लियर है, प्लस प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, और क्या आ जाएगा इंटू वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, क्लियर है, और प्लस सी आ जाएगा,